रांची में अधिकतर असंगठित मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए रांची जिला प्रशासन विशेष अभियान चलाएगा। अभी प्रखंडों में ई श्रम में रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम का लाभ अधिक से अधिक मजदूरों को मिले, इसके लिए इस विशेष कैंप को शाम के समय लगाया जाएगा। रांची डीसी की अध्यक्षता में ई श्रम पोर्टल को लेकर डीसी की महत्वपूर्ण बैठक की गई। समाहरणालय में आयोजित बैठक में समीक्षा करते हुए डीसी छवि रंजन ने पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं, जिसमें रांची में असंगठित मजदूरों को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुई है। ई श्रम एक पोर्टल है जो कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, और उसमें जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, जो कि जिनका पीएफ नहीं कटता है या ईएसआईसी में एनरोल नहीं है या इनकम टैक्स पे नहीं है, इन तीनों कैटेगरी को छोड़कर जितने भी लोग हैं वे सभी लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए उनको अपने बैंक खाता, आधार कार्ड और बायोमेट्रिक जो पहचान पत्र है थंब के माध्यम से निकटतम जो प्रज्ञा केंद्र है, कॉमन सर्विस सेंटर से, वहाँ पर जाकर एनरोल करा सकते हैं। जिला खनन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ईंट भट्टों में कार्य करने वाले सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो, ये सुनिश्चित करें। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डाटा बेस तैयार किया जाएगा, और जितने भी हमारे माइनिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज लेबरर्स हैं, हमारे जितने भी सरकारी भी कई लोग हैं जो कि बहुत ही कम मानदेय पर काम कर रहे हैं, और एवं नरेगा के कई वर्कर्स हैं, इन सभी लोगों को वृहद पैमाने पर जोड़ने के लिए आज इनको डायरेक्शंस दिए गए हैं। ब्लॉक में भी लोगों को बताया गया है कि हर एक पंचायत में जो है, जो हमारे बीएलई उनसे संबंध करते हुए उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। इन मजदूरों का होगा रजिस्ट्रेशन। कामगार, प्रवासी कामगार, खेतीहार कामगार, पशुपालन मजदूर, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, घरेलू कामगार, मछुआरे, भट्टा क्रशर में काम करने वाले मजदूर, मनरेगा कामगार, एनआरएलएम, एनयूएएलएम के अंतर्गत एसएसजी सदस्य, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, मिड डे मील कामगार, फेरी वाले। रजिस्ट्रेशन के लिए यह शर्तें: श्रमिक की उम्र 16 से 59 साल के बीच हो, आयकर दाता नहीं होना चाहिए, ईपीएफओ, ईएसआईसी, एनपीएस का सदस्य नहीं होना चाहिए, असंगठित श्रमिक श्रेणियों में कार्यरत हो। इन दस्तावेजों की होगी जरूरत: आधार संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल एवं एक्टिव मोबाइल नंबर, आईएफएससी कोड के साथ बचत बैंक खाता। रांची जिला प्रशासन की तरफ से ई श्रम पोर्टल के माध्यम से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके, इसके लिए डीसी ने कई निर्देश जारी किए हैं, जिसका असर साफ तौर पर आने वाले दिनों में देखा जाएगा। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन सुशील के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।